लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक न्यूज टीवी, मैं हूँ आपके साथ अंजू कश्यप। इस समय मौजूद है लखनऊ के 1090 चौराहे पे। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद हैं और यहाँ पे इस अवसर पे भारी मात्रा में महिलाओं की भीड़ उपस्थित है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ यहाँ पे प्रियंका गांधी मौजूद है। आइए यहाँ की महिलाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे कितनी खुशी है और आखिर यहाँ पे मौजूद क्यों है। मैम, बीते दिन चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन जो कांग्रेस वो अभी भी सक्रिय है और आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल्सो एंड एवरीवन वॉचिंग द टीवी। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी प्रियंका दीदी ने काम किया है, महिलाओं को साथ लेके चली है उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की, कहीं ना कहीं जितनी मर्जी तरक्की की बात कर ले, कहीं ना कहीं वो पर्दे में रह जाती थी। पर इस बार इन्होंने ये 40% जो सीटें महिलाओं को दी हैं, इससे क्या है, वो खुल के बात कर सकेंगी, अपनी सारी दिक्कतें बता सकेंगी, जिससे हमारे यूपी की, यूपी का तो प्रोत्साहन होएगा ही होएगा, साथ में हमारी महिलाओं का भी होगा। प्रियंका गांधी भी अभी आ रही है, उनके बारे में क्या कहना? प्रियंका गांधी, सबसे पहले तो वुमेन्स डे है तो उन्होंने ये जो काम किया है उसके लिए, जी, महिलाओं के लिए सबसे बेटर है। देखिए, ऊपर की बात नहीं करूँगी पर हाँ, जो उन्होंने स्टेप लिया है कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाब रहेंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधानसभा चुनाव 2022 में आखिरी चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक के मैदान में कांग्रेस अभी भी सक्रिय रहने के प्रयास में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस का लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में आज महिला मार्च निकाला गया। करीब 3 किलोमीटर के इस महिला मार्च में शामिल होने वाली कुछ महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से स्कूटी और स्मार्टफोन का भी ऑफर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महिला विंग ने राष्ट्रीय इकाई के साथ लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिला मार्च का आयोजन किया। वहीं ढोल नगाड़ों के बीच लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ गूंज रहा है। सिकंदरबाग से 1090 चौराहे तक का पूरा रास्ता जैसे गुलाबी रंग में रंगा है। महिलाओं को उत्साह भी देखने को मिला। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लिखी हुई गुलाबी रंग की साड़ी के साथ ही प्रियंका गांधी की फोटो वाले बैग दुपट्टे पहन के भी महिलाएं आई हुई हैं। अलग अलग जगहों से महिलाओं की टोली रैली में हिस्सा लेने को आई है। करीब 2 बजे प्रियंका गांधी पहुंची। अपनी नेता को देखते ही कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जिंदाबाद के नारे भी तेज तेज से लगाए। ढोल नगाड़ों के बीच लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये रैली सिकंदरबाग की ओर बढ़ने लगी। रैली में विधानसभा चुनाव में खड़े कांग्रेस के सभी प्रतिभागी भी शामिल हुए थे। अच्छा, महिला दिवस है, यहाँ पे किस लिए आए? हाँ, इसीलिए आए हैं। अभी प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी ने लगाया है, तो क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ा है यूपी में? अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम। दीदी से मिलना है, स्पेशली दीदी से मिलने आए हैं। स्पेशल दीदी से मिलने आए हैं। क्या बात करेंगे अगर मिलेंगे? मिलके होली मिलन गुलाल खेलेंगे, होली मिलन समारोह। इसीलिए बढ़िया आराम से जीते हैं तो सबको बड़ा सबका देखें। क्या लगता है, ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है प्रियंका गांधी जी ने, कितना प्रभाव पड़ रहा है यूपी में उस चीज का? अच्छा भी हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का जो ये नारा, कितना प्रभाव पड़ रहा है? अरे बिटिया, सब अच्छे है, सब जो बड़ी महिला तो शक्तिशाली है, शक्ति का रूप है, महिला शक्ति का रूप है। नमस्कार, मैं हूँ देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें
ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।